पाप करता है, प्रभु दो बार कसम करके बोला वो पाप का गुलाम है, पाप आपको गुलामी में बना देगा। ड्रग्स लेने वाला ड्रग्स एडिक्ट, दारू पीने वाला दारू का एडिक्ट बन जाता, मतलब मोबाइल पीते रहने वाला मोबाइल का एडिक्ट बन जाता, सीरियल वाला सीरियल का एडिक्ट बन जाएगा, चोरी करने का एडिक्ट बन जाएगा। आज हमारे जीवन में जो पाप करते हैं उसी पाप को हम लोग गुलाम बन जाएंगे। पिछले दिनों में यूदा का गहरा देखा, पढ़े हैं यूदा का गहरा, उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। ध्यान दीजिए, उन पर हाय कैन किसी चाल चले, तीन आदमी का नाम आया, कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए, मजदूरी के लिए अंडरलाइन मजदूरी, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, बिलाम के समान भ्रष्ट हो जाए। बिलाम कौन है? भविष्य करता तुलसी के लिए ताली बजाइए, ताली दिया तो भविष्य करता था। और कोरा के समान, कोरा के समान विरोध करके, विरोध करके नष्ट हुआ। एक तीनों का वर्ण लिखा, ध्यान दीजिए, बाइबल में बहुत लोगों का नाम आता है, बाइबल में बहुत लोगों का नाम आता है, कुछ लोग अच्छा नमूना पर नाम आता, कुछ लोग बुरा नमूना पर नाम आता। और अच्छा नमूना वालों को जिंदगी को बाइबल में पढ़ने के साथ साथ बुरा नमूना को भी हम समझना क्यों है, हम बच जाए, मैं बच जाए। यहां पर मजदूर के लिए एक भविष्य पिता का नाम बिलाम, क्या एक भविष्य पिता मजदूर लेगा? ध्यान दीजिए, जो भी प्रभु के सेवा में मजदूर नहीं होता, कितना मेरा बात में सहमत है, कुछ मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, प्रभु का सेवा के लिए अपना को अर्पण किया हुआ मजदूर के लिए नहीं तोड़ना। लेकिन एक भविष्य विक्ता का नाम कितना गंदे नाम के साथ मिला दिया मजदूर के लिए। उनका हिस्ट्री आप पढ़ना है, आप जिंदगी का किताब 22 से लेकर पढ़ते समय वहां पर देख सकते हैं, जिंदगी का किताब उसका 22 से लेकर देखते समय वहां पर देख सकता। सब इसराइलियों ने, ठीक है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा चढ़ा है उसका हम साक्षी बता रहे हैं, आज प्रभु भोजन भी है, ज्यादा लंबा चढ़ा हम लेना नहीं चाहते। कितना लोग प्लान के बारे में पहले से पढ़ा है, अच्छा साथ बताइए, तब आपको पता चलेगा कितना लंबा खींचना। मतलब पीछे टेबल में क्या हो रहा है, सब झुके क्या हो रहा है, बैठो बैठो, आ गया कर बैठो, आ गया कर बैठो, पीछे वाला पर आ गया कर बैठो, बैठी नहीं चला खड़ा मत हो जाए, बैठे आ गया कर बैठ जाए। तो ध्यान दीजिए, ये बिलाम का कहानी गिनती का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उनका कहानी आता है। बिलाम का बारे में बार बार गलत नमूना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिलाम के लिए एक अलग शिक्षा है, द डॉक्ट्रिन, हालेलुया, बिलाम के लिए एक अलग डॉक्ट्रिन है। कितना में पढ़ा है बिलाम की डॉक्ट्रिन, बात में कीजिए, बिलाम का डॉक्ट्रिन मैं भी नहीं पढ़ता, पढ़िए बोले पढ़ा, बिलाम का डॉक्ट्रिन, बिलाम का उपदेश, बिलाम का उपदेश बाइबल में उनके लिए अलग उपदेश है। मैं कलीसिया का बाजार की बात नहीं बोल रहा हूं, कलीसिया का अंदर की बात बोल रहा हूं। चलिए हम लोग एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे, गिनती का किताब 22 का 9 से लेकर 12 तक, गिनती का किताब 22 का 9 से लेकर 12 तक। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, हाँ,
तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? एक मिनट, परमेश्वर बिलाम के पास आकर पूछा, कितना बड़ा हैरान लग रहा है, ताली बजा के प्रभु के नाम में बजवा। स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में यही सिखाया है, जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, ध्यान दीजिए, एक स्वर्ग का परमेश्वर एक इंसान से आकर बात करता है, तो वो इंसान साधारण व्यक्ति होगा? वो इंसान एक साधारण व्यक्ति होगा? एक बहुत बड़ा वस्तु का मिलता होगा कि नहीं होगा? कितना लोग मेरे बात में सहमत है? एक साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बहुत अच्छा वस्तु दिखता है। मन में मूसा का बात, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन दूसरा आगमन के बारे में वर्णन बिलाम ने कहा, कितना खड़ा है इसराइल में एक तारा उत्पन्न होगा, यूदा में एक राज दंड यीशु मसीह का और उसका राज अनंत काल के राज, ये भविष्यवाणी प्रभु का पहला यीशु मसीह का पहला आगमन के साथ साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक, आप सोचिए तकरीबन यहां से 3600 साल पहले का वो भविष्यवाणी किया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा को। एक साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के साथ बातें करता था, प्रभु के साथ बातें करता था, जीवित परमेश्वर के साथ बातें करता था, उनका बात सुनता था, सुनता तो बहुत है, समझता तो बहुत है, लेकिन आज्ञाकारी बनने वाला प्रभु ढूंढता है। ऐसा है कि सुनने वाला मान में उसका अंधी क्या हुआ, कितना लोगों मान में जो सुबह 13 का 22 पढ़ेगा, जो सुबह का किताब 13 का 22, और इसराइलियों ने उनके और मरे लोगों के साथ उनके और जब मोआबियों को ऊपर लड़ करके उन लोगों का सब खत्म किया, उनके साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाला अभी इनके यहाँ पर इनके नाम मुझे दिखता नहीं है, क्या नाम हो गया, भावी कहने वाला, उसका पुत्र भाई कहने वाला बिलाम को भी तलवार से मार डाला, तलवार से मार दिया। एक वंशवृत्ता को प्रभु के दास जोशुआ तलवार से मार दिया, दूसरा जगह में लिखा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, क्लिक के किताब में हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, एक प्रभु का दास का यह अवस्था क्यों है ना, बहुत लोगों का जीवन में शुरुआत अच्छा रहता है, अंत अच्छा नहीं रहता, बहुत लोगों की जिंदगी में मसीह जीवन को दुनिया का जीवन को चुनी, मसीह जीवन को शुरुआत बहुत अच्छा रहता लेकिन अंत अच्छा नहीं रहता। मैं बहुत बार आर्मी में फ्लाइट में उड़ा, बहुत बार आर्मी में मेरा वही ड्यूटी था, जगह जगह में बॉर्डर में रेशन सप्लाई करता, तो वहां के साथ लोगों के साथ अभी जाता था, मान में वहां पर जो पायलट के लिए सिलेक्शन का परीक्षा होता है, फ्लाइट में पायलट के लिए परीक्षा होता है, सिलेक्शन के लिए कहां पर होता, मान में सर्विस फ्लाइट में नहीं होता, क्यों, सर्विस फ्लाइट में सब बहुत अच्छा अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर बहुत अच्छा सुरक्षा है, टेकअप लेना लैंडिंग लेना दोनों अच्छा है, वहां पर सब पहले पास हो जाएगा, बल में जहां पर थम्प देता बॉर्डर एरिया में हिमालय पर्वतों के बीचों में हर पहाड़ की टॉपों में
जहां जहां पोस्ट है वहां पर रेशन ड्रॉप, नीचे उतर कर रेशन ड्रॉपिंग करके ऐसे हमारे उठना है और उसका फिनिशिंग पॉइंट ज्यादा उसका 100 मार्क समझ लीजिए, उसके ज्यादा से ज्यादा मार्क कहां पर मारे। एक पायलट अपना फ्लाइट को कैसा लैंडिंग करता, लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना मेरा बोली समझ मारा, लैंडिंग में उसको मार्क दिया जाता, लैंडिंग में उतना स्पीड में ना ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऐसा ही ग्राउंड लेवल पर लेकर आके ऐसा स्मूथली लैंडिंग करना ताकि अंदर बैठा वाले लोगों को पता नहीं चलना। हालेलुया प्रिय भाई बहन, एक मसीह जीवन में लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो उसकी बात नहीं है, ध्यान रखिए, नोट कीजिए, बहुत लोगों फिनिशिंग अच्छा नहीं। मैं कितना मशीनों को मिट्टी देता हूं, कितना मशीनों को मर गया है मिट्टी देता हूं, मैं आपको बताऊं बहुत कम चुना चुना लोगों को हमका अंदर में महसूस होता है महिमा का, बाकी लोग नहीं होता, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा नाम है। सादा सादा प्रिंट करा था, बड़ा बड़ा कपड़ा बैठे लेकर घूमता, बहुत अच्छा ध्यान बुद्धि का बात करता, बहुत अच्छा प्रार्थना करता, दुआ करता, प्रचार करता, लेकिन अंत लैंडिंग ठीक नहीं है, उनका मसीह जीवन का लैंडिंग अच्छा नहीं है। बाइबल में बहुत लोग देख सकता, उनका शुरुआत अच्छा नहीं है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छा, बहुत लोग आप देख सकता है शुरुआत अच्छा था लेकिन उसका फिनिशिंग ठीक नहीं है। यहां पर बहुत कम पुत्र पिलाम के बारे में देखते हैं, उनका शुरुआत अच्छा था, क्या है जीवित परमेश्वर उनके पास आके बात करता। पढ़िए गिनती का किताब 22 का 9 से लेकर, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, ये तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकल आए हैं उसे भूमि तप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे, उनका श्राप दे दो, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनका संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि मैं आशीष की भागी, वो आशीष की भागी हो चुके हैं, दो चार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। मेरा परमेश्वर अंधा दुंधा बसत बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर अंधा दुंधा बसत बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर क्लियर कट पर बसत बड़ी करने वाला। कोटोली का बोला गया तो जो पाने जा वह समुद्र के किनारे सोल सा नाम का सोल सा आदमी का सोल सा आदमी गेस्ट आया हुआ उनके बड़ों में। हालेलुया आज हमारे जीवन में प्रभु का भविष्यवाणी बहुत क्लियर रहता, क्लियर कट पड़ा, तुम लोगों के पास मत जाओ, तुम लोगों कभी श्राप नहीं देना, क्यों बोला ऑलरेडी आशीर्वाद का पात्र हो चुका, वो मेरा जन्म है। हालेलुया लेकिन मालूम है ये तुम्हारा गया कि नहीं गया, गया, गया। क्यों पैसे कमा लगे सोना, पहले आदमी भेजा बोरा भरकर सोना देंगे, दूसरा बार आदमी भेजा घर भरकर सोना देंगे, जो बोरा भरकर सोना में नहीं था लेकिन घर भरकर सोना में हिल गया, हिला कि नहीं था। ध्यान दीजिए आपका जिंदगी का शुरुआत अच्छा था, गधे के ऊपर बैठकर चलना शुरू हो गया, मान में
गधे पहचान लिया अभी मेरा बसर जिंदा का रास्ता ठीक नहीं है। बसर जिंदा का जाइए जाकर आ सकते उसका रास्ता छोड़ मेरा बसर जिंदा इधर देखे इधर देखे सैतान जाता है कमजोर किया तो ध्यान दीजिए गधे मुंह को अपने बसर तो नहीं किया बेचारा ठीक तरह बात करना नहीं आता था गधे कभी बात करता ना उसके पहले हुआ ना उसके बाद भी हुआ यीशु जिस पर सवार किया हुआ गधे भी बात नहीं किया तो ध्यान दीजिए इसी गधे को भी प्रभु जहां से जहां लेकर आगे मुंह खोलवा रहा जो कितना बोलता था कितना बात कर नहीं सकता था आज अपना जीवन में गहरे बात कर रहे गिनती का किताब 22 का 25 से लेकर 28 तक गिनती का किताब यहोवा के दूत को देखकर यहोवा का दूत को गधे देख लिया गधे देख लिया बहुत दिन तक नहीं देखा क्यों उसका आग में भी क्या है सोना लालच उसका आग में भी पट्टी गिर गया अभी परमेश्वर के देखने वाला नजर आपका एक स्वर्गदूत खड़ा देखने पर बेचारा गधे देख लिया यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसे सट गई दीवार से ऐसा सट गया कि बिलाम का पाव दीवार से दब गया बिलाम का पाव दीवार से सट गया तब उसने उसको फिर मारा तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकरे स्थान पर खड़ा हुआ जहाँ ना तो दाहिने और हटने की जगह थी जहाँ पर पहले बार स्वर्गदूत खड़ा था बाद में क्या हो गया गधे देने पाया हटकर दीवार के साथ रगड़ के चल गया लेकिन बिलाम का आग नहीं खोला वो क्या गया गधे को मारा आदमी जिसका आग नहीं खोला वो गधे का मारेगा हालेलुया इस गधे को मारेगा हालेलुया और अभी क्या कर दिया स्वर्गदूत अभी ऐसा संकरा जगह में आकर खड़ा हो गया जहां देने पाए बिल्कुल सट नहीं सकता वहां यहोवा के दूत को देखकर गधे बिलाम को लिए दिए बैठ गई वो सीधा बैठ गया क्योंकि उसके मन में अभी लेकर जाएंगे आगे उसका गर्दन कुर्द कर जाएगा क्योंकि स्वर्गदूत नंगे तलवार लेकर खड़ा ताली बजा के प्रभु के नाम में घर में जाकर पढ़िए कम से कम 22-23-24 पढ़िए गिनती का किताब 22-23-24 अध्याय पढ़िए बहुत वचन पढ़िए आज अभी पूरा हुआ कुछ नहीं हुआ तो ध्यान दीजिए बैठ गया तब बिलाम का क्रोध भड़क उठा बिलाम का क्रोध और भी भड़क गया बहुत ज्यादा हो गया और उसने गधे को लाठी से मारा गधे को लाठी से मार रहा तब यहोवा ने गधे का मुंह खोल दिया जब यहोवा गधे का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगे वो बिलाम से गधे कह रहा है मैंने तेरा क्या किया है तुम्हें क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा अभी 3 बार मुझे मारा मैं तुम्हें क्या किया तुम्हें अच्छा किया तुम्हें बना किया तुम्हें बचाया तू किसने मुझे मारा गधे बोल रहा बेचारा तब तो ये सुनना चाहिए भाई सच्ची में मैं वहां पर ही सुधर जाना था कितना गिरा हुआ इंसान भी गधे बात करते समय सुधर जाना था हालेलुया ये गधे माल बोलता है और आगे बिलाम ने गधे से कहा यह कि तूने मुझसे नटखटी की तब यहोवा बिलाम का आगे खोला क्या उसके पहले उसका आग खोला नहीं था उसके पहले वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा था परमेश्वर का पहचान रहा था परमेश्वर का देख रहा था लेकिन अभी क्या आ गया उस आग में पैसा आ गया
लालच आ गया बिना मेहनत का जल्दी धनवान बनाने के लिए। हालेलुया, धनवान बनाने के लिए दारू बिक्री करने वाला बन जाते, कोयला चोरी करने वाला बन जाते, ऐसा ऐसा बिजनेस करके पैसा कमा के कहां जाएगा आप? आत्मा कहां जाएगा? प्रभु चाहता है हर बात में आपके हाथ में एक एक नया पैसा बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल शुद्ध हो। आपके पॉकेट में जो भी पैसा रखा उसी पवित्र दाई में लिखा होना चाहिए। हालेलुया, जो ज्यादा रिजर्व बैंक का नाम नहीं लिखना चाहिए, वहां पवित्र बैंक लिखना चाहिए। आपका पैसा, आपका एक एक पैसा, आप जो प्रभु का धन पक्ष में जो कर रहा है एक एक पैसा उसमें पवित्रता करना चाहिए। चोरी किया हुआ पैसा इसी दान में मत डालिए। दान बिक्री करने वाला, कोई चोरने वाला, वो वाला, ये वाला गलत धंधा करके किसी को ठका के वो पैसा इसी दान पक्ष में मत डालिए। एक मरा हुआ मक्खी सारी इत्र को बदबू कर देता है। सवाल दस का एक अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो ध्यान दीजिए। एक रुपया काइंस जो गलत तरीके से तू कमा के दान में डाल दिया, सारी दान को खराब कर देगा। ये दान को प्रभु अंत क्या कर रहा है, इसका आंख को पट्टी बोल गया, अभी दोबारा प्रभु उसका आंख को खोल रहा है। पढ़ो, यहोवा की दूत ने फिर तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार, हाथ में नंगी तलवार लेते हुए मार्ग पे खड़ा, मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर कर दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को तीन बार क्यों मारा? क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। तेरा विरोध करने का मैं आया हूँ इसलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल चला है। तू उल्टी चाल चला, बहुत लोगों का जीवन प्रचार को सुनता है, वचन को सुनता है, अच्छी तरह समझता है, लेकिन उल्टी चाल चलता है, पीछे जाकर उल्टी चाल। अरे वो मद्रासी पास्टर का उनका काम नहीं है, यही बोलते रहेगा। हालेलुया, लेकिन उनका चाल ठीक नहीं था और प्रभु के लोगों के साथ मदीना में प्रवेश कर नहीं पाया। वहां पर एक वेश्या था, उसी वेश्या का नाम क्या? राहाब। कितना ने सुना, जेरिको में एक वेश्या था, वो वेश्या इस्राएलियों के साथ प्रभु का वायदा किया हुआ कानान में प्रवेश किया। ताली बजा के प्रभु का नाम लो। एक वेश्या प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु के लोगों के साथ कानान में प्रवेश किया। राजा वेश्या कानान में प्रवेश किया कि नहीं किया? किया। उनका वंशावली यीशु का संतान में आया कि नहीं आया? आया। मत्ती एक लेकर पढ़ लेना घर में जाके, ध्यान दीजिए। एक वेश्या को महिमा में लेकर गया, एक वैश्यता को प्रभु काट के फेंक दिया। क्यों? उल्टी चाल शुरू कर दिया। उल्टी चाल क्यों? पैसा। उल्टी चाल क्यों? सोना। आज मेरे भाई बहन, आपका सोना चांदी आपको नहीं बचाएगा, आपको नहीं बचाएगा। आज आपको बचाना है केवल यीशु मसीह। यीशु का लहू हमें बचा सकता है। आज इस बात को आप अपना जीवन में समझिए। ये बिना इतना होने के बाद तो वापस घर आना चाहिए, नहीं आने का चाहिए? बोले कितना नहीं आना चाहिए? बोले अतनाई कितना बोलते वापस आना चाहिए था सब आत नहीं। एक बार एक लड़ने करेंगे। हालेलुया, बोले मैं उस जहां में है तो इतना परमेश्वर बोलने के बाद, गधे मुखों के बात करने के बाद, कुछ सब दूध आकर बात करने के बाद अब वापस आना कि नहीं आना? नहीं आएगा। लालच ऐसा चीज है,
लाजरस ऐसा चीज आप देखिए, बाकी सारी पाप करने वाला विपचार करने वाला वापस आ जाएगा। दाऊद विपचार किया कि नहीं किया? दूसरा पत्नी को रेप किया कि नहीं किया? मर्डर किया कि उसका पति को मर्डर किया कि नहीं किया? लेकिन वो प्रभु का वंशावली मांग गया कि नहीं आया? अरे मर्डर बच गया, रेप करने वाला बच गया, लालच करने वाला एक आदमी को बचा जो बच गया। या पुराना नियम है नया नियम है, मैं आपको शांत करता हूं। गेहसी एलीशा का दास था, उसे कितना बड़ा अभिषेक मिला था। एलिया से एलीशा को दो गुना मिला है, तो गेहसी का कितना मिल रहा था? चार गुना मिल रहा था। क्या मिला? कोड मिला, मतलब कोड भरो तुम कर बोले तुम्हारी सारी पीढ़ी। क्यों? लालच, पुराने मेरे कोई बच नहीं पाया। यीशु का तीन बार इनकार किया, पत्रोस बच गया, लेकिन एक बात छुपा देकर 30 चिक्का बोलिए 30 चिक्का पकड़ाया, बच पाया। पांच से लगा के मरा। आज हमारा जीवन को बचा रहा है लालच, बहुत बड़ा खतरनाक। एक बहुत से चिंता का जीवन में, एक बहुत से चिंता के जीवन में आज भी बहुत से चिंता होंगे। इसे प्रभु पहला प्रचार जो पहाड़ का प्रचार जो मत्ती उसका 5 का 6 अध्याय 7 अध्याय ये 3 अध्याय पढ़ते समय वहां पर पहाड़ प्रचार हमें लेने की जरूरत नहीं। ये पहाड़ का प्रचार में प्रभु ने एक कीमती बात बताया, झूठा मुझे झूठा मुझे सावधान। हालेलुया हालेलुया सारा 14 15 में झूठा मुझे झूठा से झूठे पोषण विद्ताओं से सावधान रहो। जो भेड़ों की भेड़ों को बेचने तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वो फाड़ने वाला भेड़िया। आज इतना अच्छा वचन दिखता, डायरेक्ट प्रभु को आवाज सुनता, आज क्यों पड़ गया पैसा? आज मिली हमें बात बताते, मिनिस्ट्री के लिए पैसा का जरूरत है, लेकिन पैसा के लिए मिनिस्ट्री नहीं करना। पैसा के लिए मिनिस्ट्री नहीं करना। आज कितना वचन दिखता लोगे, पैसा लेकर वचन पड़ी करता करता है नहीं करता? 15,000 20,000 पैसा लेकर वचन पड़ी करने वाला वो कहां जाएगा? आज तो जो स्वाकर तलवार से नहीं कटेगा, क्यों? अभी कृपाई की चल रहा। प्रभु बोल दिया गेहूं की ना हो जल्दी तला की ना हो, कटने का दिन तक दोनों एक साथ बढ़ने दो, कटने का दिन में मैं अलग अलग कर दूंगा, दोनों एक साथ बढ़ेगा। मेरे भाई बहन आप अपना जीवन में समझ लो, सतर्क रहो, भोषण दिखता से चुनता भोषण दिखता से सतर्क रहो। जो आदमी अपना को भोषण दिखता बोलता है तुरंत आप सतर्क हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। क्यों है? बहुत विद्या बोलने से हम लोग एक स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता। क्यों पास्टर? मेरे बारे में थोड़ा बोलिए पास्टर। मेरा पास कुछ लोग आता पास्टर, मेरे बारे में थोड़ा पूछ के बताइए। मेरे क्या भाभी कहने वाला सोचा प्रभु बोलेगा आप दरवाजा बंद करने सभी में खटखटा के आके आपस बच्चों का नहीं लिखे बोलूंगा। लेकिन आज में कितने लोगों को बच्चों तो नहीं किया, तकरीबन सब लोग अभी तक बचा, कुछ लोग भड़क गया खत्म हो गया।
क्यों है? वचन बड़ी अच्छा नहीं रहता, तुम्हारा गुप्त जिंदगी कुला देता, पुसला के वचन बनी प्रभु का वचन नहीं आता, तुम्हारा गुप्त बातों को प्रभु को कर देता, तुम्हारा अंदर में ऐसा ऐसा बातें तो सुधर जा, यही था प्रसिद्ध बनी। लेकिन आज क्या होता मालूम है, हमको एक बात सुनने में मिला, कोई बोला है यहां का एजेंट, हमारे चर्च में विश्वासी उधर का पंजाब का एजेंट लोग रहता है, हमारे चर्च में जो विश्वासी बन गए एजेंट लोग क्या करता है, पंजाब पास्टर को अगर पास्टर जी यहां पर चर्च नाम का एक सिस्टर है, उनका बहुत प्रॉब्लम है पास्टर जी, वो आपसे बात करना चाहते हैं, पास्टर पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, उनका शरीर में इतना प्रॉब्लम है, उनका परिवार में इतना प्रॉब्लम है, उनका बेटी इतना प्रॉब्लम है, उनका बेटा ना बच्चा ना बात नहीं मानता, उनका पति दारू पीता, उसका वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है उससे मेरे को बात करो, ठीक है पास्टर उसको बुलवा भेजेंगे बात करवाएंगे, अभी वो शाम आएगा, ठीक है पास्टर से बात करवाएंगे। हेलो पास्टर कैसे हो आप पास्टर, हाँ वही सिस्टर है ना आया हुआ है, उससे थोड़ा बात कीजिए, अभी भविष्यवाणी निकलेगा नहीं निकलेगा भाई, अभी भविष्यवाणी निकलेगा नहीं निकलेगा। वहां पर यदि हमारा आनंद बदल हो तो भी फटाफट भविष्यवाणी होगा, तुम्हारा शरीर का यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारा बेटा का प्रॉब्लम है, तुम्हारा बेटी का प्रॉब्लम है, तुम्हारा पति पिटा हुआ है, बोलेगा नहीं बोलेगा क्यों, ह्यूमन मसल स्टोरेज है। 15,000 देने से 20,000 देने से पवित्र आत्मा उत्तर यहां का भविष्यवाणी बोलने वाला वो स्प्रिट कौन सा स्प्रिट है, थोड़ा अकल नहीं है, थोड़ा सोच नहीं है, पैसा नहीं है भविष्यवाणी उससे अच्छा है, और तमिलनाडु में केरला में एक से एक ज्योतिषी लोग बाप रे बाप, जेल को ज्योतिषी बोला, कटरा नदी को ज्योतिषी बोला, तो इस बार हारेगा, तो इस बार जीतेगा, तो इस बार मरेगा, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा ज्योतिषी लोग है, वो लोग ज्योतिषी लोग किसका मदद से अपना बोलते मर गए, शैतान का मदद से, शैतान भी बुला देता और उसके पीछे पीछे एक महिला आकर भविष्यवाणी बोलता कि नहीं बोलता, मालूम है हमें तो क्या करेंगे खुशी में जाएंगे, बेचारा पवन गुस्सा हो गया हरियाणा से दान से बड़ा कि नहीं बड़ा, आज स्प्रिट होना चाहिए, आज आनंद में उचित तरह की आत्मा को परखने वाला स्प्रिट होना चाहिए, आत्मा को प्रेरणा वाला स्प्रिट ना होने के कारण सब डका देता, अच्छा प्रसिद्ध था पास्टर, मेरे सब कुछ बोला पास्टर, मेरा सारी प्रॉब्लम बोला, तुम्हारा सारी प्रॉब्लम बोलेगा लेकिन दूर नहीं करेगा, दूर करना है ये सुबह। हालेलुया हालेलुया, ध्यान दीजिएगा आज झूठा पास्टर कितना वर्ष है साधारण, दूसरा पत्रोस दो का एक से लेकर पढ़ते समय, दूसरा पत्रोस दो का एक से लेकर पढ़ते समय, इस प्रकार उन लोगों में झूठे वंशकर्ता थे, झूठे वंशज बिकते थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे उपदेशक लोग होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छुप छुप कर करे, छुप छुप के करे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें बोल दिया है इनका सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, ये सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, बाओर का पुत्र बिलाम का मार्ग पर हो लिया, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय, जिसने अधर्म का मजदूरी को प्रिय जाना, अधर्म का मजदूर को प्रिय जाना, पर उसके
ठीक है, हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए, अधर्म का मजदूर पर अभी सोचिए, 15,000 रुपया दो, 20,000 रुपया दो, मैं भविष्यवाणी करेंगे, वो स्प्रिट प्रभु का स्प्रिट नहीं, कितना लोग मेरे को अपने सेवक है, बात करके एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया, हालेलुया करेंगे, उस स्प्रिट को हालेलुया, नहीं आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, उसका मतलब आप उसी स्प्रिट के साथ सहमत है, नहीं नहीं वो भी होली स्प्रिट है, वो ये होली स्प्रिट का सेकेंड है, छठा पहले हालेलुया। आज मेरा जीवन में परमेश्वर बिकता नहीं है, परीक्षा के लिए बिकता नहीं है। दूसरा चीज अभी वो क्या कर रहे हैं, हर जगह में घूम बोला, लेकिन प्रभु साहब के जगह पर क्या कर दिया, आशीष दिन में हालेलुया। सात बार वो कोशिश किया साथ देने के लिए, सातों बार प्रभु उसका मुख पर आशीर्वाद दे दिया, तब फलक राज बोला, राजा बोला चलो तुमको जो सोना देंगे, बोला नहीं देंगे, लेकिन बेचारा सोना छोड़ेगा, आज भी सोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिलेगा इतना इधर डाल देगा क्यों दिखना है, अरे सोना मेरा पैर के नीचे सुख में, कितना अविश्वास करते हैं, पैर के नीचे सोना विश्वास कीजिए, मैं देखा 1992 में मैंने देखा, हालेलुया, सोना गिरा सब छोड़ दिया, गले में सोना था, जब वो उठा पाया गले में सोना था, अंगूठे में सोना था, लेकिन नहीं मेरे को वो सोना चाहिए जो मैंने देखा, आज अपना जीवन में सोना का लालच में मैंने क्या कर दिया, उसका एक आइडिया बताया, क्या आइडिया मान ले, यस, तो तुम लड़ाई करके उनका मारने का जरूरत नहीं, खुद उनका परमेश्वर उनको मार देगा, कैसा, प्रभु दो चीज गिनित करता है, एक विभचार एक मूर्ति पूजा, ऐसा करो तुम्हारा देश में ऐसा ऐसा सुंदर लड़की जो ऐश्वर्य राय श्री देवी, अरे मेरा जगह पर वही को मार गया, नकमा ऐसा ऐसा सुंदर लड़की लोग को चुन ले, मूर्ति पूजा करके प्रसाद को हाथ में देकर इसराइल का अंदर छोड़ दे, अभी इसराइल क्या करेगा, इसी सुंदर स्त्रियों के साथ विभचार करेगा और उनका प्रसाद का देगा, तुम मांगने का जरूरत नहीं, उनका प्रभु मांगे, मानने क्या हुआ, प्रभु इसे तो मारना शुरू कर दिया, लेकिन एक प्रभु का दास था, उसके नाम है बिनदास, उसके नाम है, पूरा बाइबल में है, उसी जगह आप देख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं है, साक्षी बताते जाओ, बिनदास क्या क्या मन में, और देखते देखते एक पुरुष और मौवा स्त्री दोनों विभचार करने के लिए तंबू में अंदर गया, वो पीछे पीछे बोला बालू ले, बाला क्या बाला, बाला लेकर गया, और जहां भी बचा कर रहा था वह ऐसा मारा एक ही मार, और दोनों का अंदर घुस गया, जमीन के अंदर भी घुस गया, तब प्रभु का क्रोध रुका, तब तक कितना लोग मर गया, कौन बोलेगा, हाँ नहीं सही बोला, नहीं तुम्हारा गलत है, सही बोला क्या, लक्ष्मी का सुमित्रा जोरदार थाली बजाई सुमित्रा, 24,000 मर गया, हालेलुया। आप मिला तो लेकर पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 2:14 जल्दी जल्दी, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरा विरोध
कुछ बातें कही है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। तेरा है कलीसिया का वर्णन लिख रहा है, तेरे यहाँ कलीसिया के अंदर कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को, जो उसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना, ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं, मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। और भाई वो दिया लेकिन ये स्टडी नहीं दिया, ध्यान दीजिए एलिया का स्प्रिट बोला नया दिन में, अभी एक बोले एलिया का स्प्रिट उतरा हुआ, एलिशा का स्प्रिट उतरा हुआ, उसी तरह बहुत लोग का स्प्रिट जिंदा रहता है, इसी तरह पिलाम का स्प्रिट, पिलाम जिंदा नहीं और नरक चला गया, तब ये क्या है जो पिलाम का अंदर में रहकर उसको जो घुसकाया, उसको बर्बाद किया, उसको गलत रास्ता में भटकाया, वो स्प्रिट घूमते रहता। कितना मेरा बात में सहमत है, एक बार उसके लिए अलग हम स्टडी देंगे, वो एक लंबा स्टडी है। हले भैया आज हम लोग अपना आत्मा को पहचानना, जवान ने बता रहा है अरे आत्मा को प्रतीति मत करो, पढ़ो वो आत्मा परमेश्वर का उससे है कि नहीं, उसी तरह बहुत प्रकार की आत्मा है, आत्मा को प्रीति करना परखना, प्रीति मत करना, अरे आत्मा को परखना, अरे किस्म का पाप को हर प्रकार की छुपा हुआ स्प्रिट उसको चलाता है, वो स्प्रिट का बैठेगा वो ठीक है। एक बार लिखा प्रभु एक अंधुकिया मेरा का आत्मा का डाटा भूलनी मेरा ठीक हो, एक कुपड़ी को उस स्प्रिट को दुर्गो का आत्मा का डाटा कुपड़ी सीधा हो गया, वहां पर पूरा देखो आत्मा का स्प्रिट करके लिखा हुआ है। हेलो लिया हर एक दुर्बल बलगीन या गंदा काम गलत काम बनकर वाला काम इसके पीछे आप अकेला नहीं है, आपका पीछे एक स्प्रिट का दौर चलता है, प्रार्थना में लड़िए उसके साथ लड़िए, मेरा कमजोरी पर लड़िए, मेरे जीवन में बार बार कमजोरी करने वाला उसी स्प्रिट के साथ लड़िए, बार बार मुझे पाप करवाने वाला वो स्प्रिट के साथ लड़िए। हालेलुया हालेलुया, ये लड़ना है बेटा, वो गलत शिक्षा देकर चले गया, क्यों पैसा लालच, आज भी कुछ लोग ऐसा लालच से इधर उधर इधर उधर क्या क्या करता, आज अपने जीवन में एक मिलियन पैसा के लिए, पैसा के लिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, मुझे ये करने से मुझे पैसा मिलेगा, ये करने से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। पिछला बार एक पास्टर का दवाई दिया कि नहीं दिया, पैसा के पीछे जाकर मिनिस्ट्री को वो भी बचत दिखता था, वो भी बचत दिखता था, लेकिन पैसा के लिए मिनिस्ट्री को दिया। अरे के पीछे सैतान पीछे पड़ा रहेगा, आप यह मत सोचे मैं बिल्कुल ठीक हो गया आजाद हो गया प्रभु मुझे चुना गया अभिषेक के लिए अन्य पैसा मिले, नहीं तुम्हारा ही पीछे सैतान आप धोखे पड़ा रहते, कभी नहीं बोलना कभी भूलिए मत, आपको पीछे शैतान आप धोखे पड़ा रहेगा, कमजोर को आपके पास जो भी विश्वास से आकर बात करता ध्यान से सुनेगा, सौदनों से सुनेगा, आत्मा से सुनेगा, 100% आपका बत्ती चलेगा, या ग्रीन बत्ती क्या रेट बच्चों हरा या लाल, इसके लिए पसंद गिफ्ट का जरूरत नहीं है, फिर भाई है आप किसी के साथ 5 मिनट बात किया आपको कैसा लग रहा, विश्वास में आप आगे बढ़ा या जो विश्वास था वो भी जो बलून में पिन लगाने से हो जाता वैसे हो गया, वो खुद आपको खुद ही समझ सकता कितना हो गए, 12 में एक भरमाने वाला आत्मा से बनी रहेगा आपको भड़काएगा, कांडा से कंडा को निकालना, लोगा से लोगों को काटना,
एक साधु सन्यासी से आपको भटका नहीं सकता, एक मुल्ला से आपको शंकर भटका नहीं सकता, लेकिन मसीह से मसीह को भटकाएगा। आप किसे सावधान रहना, कुछ लोग आपके बोले कितना लोगों को भटका दिया, कितना लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, कितना लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार बंद हो गया। क्यों? उनका दिमाग में शैतान किसी ना किसी के द्वारा ठोक देता। पार्टी दूसरे चर्च में 35 बजे आया था, फिर वहां जिंद रहा, तो इसका अंदर में हमारा चर्च का एक आदमी उसके दिमाग में वायरस घुसा दिया। क्या घुसा दिया? पास्टर पॉल से आपका बेटी का चंगा नहीं हुआ होगा, नहीं होगा, आप पंचायत करने से चंगा होगा। पंजाब जाएगा तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तकरीबन 15-20 हजार कहां कहां से ड्रॉप करके जैसा आदमी को लेते हो पंजाब के, अभी ही उसका विश्वास यहां पर रहेगा। अभी उनका हो मेरा द्वारा उनका बेटी का छका मिलेगा। प्रभु 3 बार उनको स्वप्न में बात किया, पास्टर पॉल आकर बात प्रार्थना कर रहा है, उनका बेटी खड़ा हो जा रहा। अभी उसका होगा नहीं होगा? क्यों? गलत जगह पर बातचीत सुना, गलत जगह पर बातचीत सुना। जैसा लोग को लेकर पंजाब में आया, एक हफ्ता तकरीबन रहा, उधर का पास्टर एक बार भी आकर उनको चुके प्रार्थना नहीं की, एक बार भी चुककर प्रार्थना नहीं किया। जैसा गया वैसा वापस आया। अभी उनके जीवन में कभी यहां पर विश्वास आएगा? नहीं आएगा। अभी उनका विश्वास कहां पर? पंजाब पे। और एक मौका मिलेगा और दोबारा पंजाब जाएंगे। यहां पर ऐसा भी कुछ लोग एजेंट लोग है कि उन लोगों को फ्री ट्रिप मिल जाएगा, लेकर जाएगा लेकर आना, उन्हें भी टूर घूम कहा जाए। मैंने जब पूछा ठीक है आपको वहां पर विश्वास होगा, आप जा सकते आज अपने जीवन में समझना एक सही पास्टर को पहचान देखने के लिए 10,000, प्रार्थना के लिए 20,000, वर्ष करने के लिए 25,000 मांगने वाला पास्टर है। कितना झूठे वर्षों कितना लोग घुमरा, तकरीबन 2008 में मेरे घर में मनेर ग्रंथ स्कूल में बड़ा मीटिंग था, मनेर ग्रंथ स्कूल में बड़ा मीटिंग था। पंजाब से पास्टर नरेश कल्याण, हमें नाम भूल गया मेरे, वर्षों कितना नरेश बोल आया, इलाको पर मान लीजिए जो पुराना लोग है उनको पर मान लीजिए। बड़ा मीटिंग था, 3 दिन का मीटिंग, बड़ा पैनल पैनल लगे, सारी कलीसिया पैसा डाल के, सारी कलीसिया डोनेशन देके, उनका बहुत बड़ा मीटिंग किया। मीटिंग का बीच में आएगा आपकी प्रार्थना होते समय गुम हो जाए, सब आप बन गए प्रार्थना करेगा, गाड़ी में बैठ कर निकल जाएगा। आखिरी दम तक एक आदमी को हाथ लगे प्रार्थना नहीं किया। हाँ वर्ष तो नहीं बोलते, हम भी दूसरा दिन क्या सोचा, मेरे घर में बुला के उसके द्वारा एक बड़ा खाना खिलाएंगे, उनका उनके साथ आया मजदूर, हम उनसे बात किया, जो अरेंजमेंट किया वो नंबर दिया, फोन किया, ऐसा ऐसा बातें दुबे को आप खा रहे होटल में आराम करेंगे, आप होटल में आराम करेंगे, हमारे घर में जाइए, हमारे साथ यहां पर खाना वीना खा के आराम से जा सकते। ठीक है मेरा पीएल से बात कीजिए, पीएल को फोन दे दिया, पीएल तुरंत पूछा आप कितना रुपया देगा, एक बहुत जितना का मुंह पर आने वाला पहला बात तो कितना पैसा देगा। हम हैरान हो गया, अरे एक पास्टर को उनका ग्रुप को बुलाकर हम प्रार्थना करके खाना खिलाकर भेजेंगे, खाली हाथ कभी नहीं देगा। आज तक कोई भी पास्टर रहा कितना भी गरीब हो किसी का खाली हाथ हम नहीं भेजते,
हमको क्या कितना चाहिए? हमको तो करोड़ों में चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा डिमांड है, फिर भी आप कितना देगा? हम बोला हमको तो अभी आइडिया नहीं है, तकरीबन 5,000 देते थे उस टाइम में 2008 में, 5,000। ठीक है, बाद में बात करके बोलेंगे। ठीक है, हम भी बोल दिया, हमारा कमिटी के में भी बात करके बोल देंगे। उसके बाद उसका फोन बिल्कुल कटी कर दिया, आगे आ गई उसके आगे आ गई। वो कहां गया? कुल्टी में गया। किसके पास? शेयर होल्डर के पास। उनके बहन लोग भी था, सब लोग था, सबका सामने में पोषण नहीं किया। क्या पोषण नहीं किया? बच्चा होगा, एक साल के अंदर आप एक लड़का बच्चा होगा, उसके नाम सामुएल। अरे छोटा पैसे करने के लिए कभी बोला आज देख रहा हूं सामुएल भी नहीं है, वो पास्टर भी नहीं है, मर गया, अगला साल में मर गया। जिसको पैसा देने किया वो भी मर गया। आज सोचा दो जो आनंद भाई काशी आ रहा शादी का नाम बोलते हैं काशी आ रहा तो क्या कीजिए? अरे 10 साल का हो गया, मैं दुख से बोलता, मेरा भी बेटी है, उसका अभी तक शादी नहीं हुआ। सुबह ध्यान दीजिए, भविष्यवाणी को विश्वास करके कितना लोग का जिंदगी बर्बाद हो गया, और एक विश्वास को सिर में हाथ लेकर बोल दिया तुम बहुत बड़ा मिनिस्टर बनेगा, तुम पार्लियामेंट में एमपी लोग को सुसमाचार प्रचार करेगा। मैं सही बोल रहा हूं प्रिंस? सही बोल रहे थे? किसको मान रहे हो? नाम नहीं बोलेंगे। ना कटका बिना काट का ध्यान दीजिए, बोलने का तो बहुत कुछ है, झूठा बोल सकते फलों से सौदा उठो। इसी तरह आपकी लालच मांगकर पैसा की लालच में मिनिस्ट्री करने वाले लोग, कुमार दुबी से एक अबनॉर्मल लड़की को कुल्टी का नाम लेकर दिया पंजाब, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं। आज यहां पर हवा फैलाने वाला बहुत है, क्यों? शैतान चाहता है यहां पर जो आपका भरोसा है, यहां पर जो विश्वास है, यहां पर जो आपका मन है उसको तोड़ दिया जाए। हम जैसी नोटिस पंद्रह में बोला इस साल और भी कुछ लोग प्रभु फिल्टर करने वाला, प्रभु फिल्टर करेगा। काश फूस निकल जाएगा, केवल ज्ञान ही करना रहेगा, नया नया विश्वासी सब में बन जाएगा, प्रभु विश्वासी बढ़ जाएगा, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। आई हम अपना जवाब सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, कुट्टा माके दूसरा तिमोथी उसका 4:2-3 पढ़ के प्रार्थना। किंतु वचन का प्रचार कर, किंतु वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार, समय और असमय तैयार हो, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा समझा, क्योंकि ऐसा समय ऐसा समय आएगा जब लोग खड़ा भरे ना सहन सकेंगे, पर अपना कानों की कुचली की नहीं, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेश को बटोर लेंगे। अपने जगह पर भी बड़ा मशीन अभी आप अपना मुख खोलिए, आपका जीवन में भी सज्जन में जहां कहीं आप बढ़ना हो, आज प्रभु से कोई एक नाम है। आज बार बार मेरे जीवन में शैतान मुझे भटकाने के लिए कोशिश करता है, हम सही मार्ग में चल रहे, सही मार्ग पर चल रहे, प्रभु
मुझे सहन ना कर, प्रभु मुझे सहन ना कर, प्रभु मुझे सहन ना कर। आज परीक्षा का सवाल, परीक्षा का सवाल, परीक्षा का सवाल, वो कहीं विश्वास भाई बनेगा, तैयारी का, तैयारी का, तैयारी